ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਮੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਥਾ ਉਸਕੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ गांव का आदमी लोग को, साधारण आदमी लोग को मदद करना नहीं सका। डॉक्टर आर के हजारी एक रिपोर्ट रखा था प्लानिंग कमीशन को, उसमें बोला तब तक कॉरपोरेट हाउसेस का हाथ में बैंकिंग सेक्टर है, इस देश का अंदर डेवलपमेंट होना नहीं सकता है, इसको लेके नेशनलाइजेशन किया। 1969 से लेके 1991 तक देखने से बैंक का सर्विसेज तो बहुत आगे बढ़ा, आम आदमी को लोन मिला, महिला लोग को लोन मिला, किसान लोग को लोन मिला, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ले आके 100 रुपया लोन देने से उसका अंदर 40 रुपया तो गरीब आदमी को देना है बोल के कानून था। लेकिन अभी जो कोशिश चल रहा है कि फिर एक बार हमारा जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है इसको प्राइवेट को हाथ में देने के लिए, रिजर्व बैंक का गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल इसके बारे में बात कर रहा है, डिप्टी गवर्नर वैरल आचार्य इसके बारे में बात कर रहा है, नीति आयोग बोलता है कि पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट है। परसों तब मैं राहुल जी से एक डिस्कशन के लिए किया, वो एक अच्छा सवाल पूछा था, तब देश का डिफेंस गवर्नमेंट देख सकता है, क्यों बैंकिंग गवर्नमेंट देखना नहीं सकता, क्यों इसको प्राइवेट को देना चाहिए बोल। लेकिन ये तो हमारा गवर्नमेंट का अभी जो पॉलिसी है कि गवर्नमेंट का काम कम करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर एक कॉन्क्लेव में बताया कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस, पब्लिक सेक्टर वॉज बॉर्न टू डाई, कितना दिन का बात मरेंगे यही सोचना है। तो इसलिए अभी यही कोशिश चल रहा है कि एनपीए ज़्यादा हो गया, इसको वापस लेना नहीं सकता है, इसलिए इस बैंक को फिर एक बार हम लोग प्राइवेट को हाथ में ही दे देंगे बोल के कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका खिलाफ हमारा देश का अंदर 9 यूनियन है बैंकिंग सेक्टर का, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, उसमें 10 लाख ऑफिसर एम्प्लॉई है। हम लोग सब मिलके 22 अगस्त को स्ट्राइक में चल रहा है, उसके बाद 2 दिन का स्ट्राइक होगा अक्टूबर लास्ट में, उसमें भी इसको कदम नहीं करने से, प्राइवेटाइजेशन को स्टॉप नहीं करने से हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक में जाने के लिए प्लान किया। बिल्कुल का जो ज्ञान संगम का रिपोर्ट है, उसके बाद इंद्रधनुष का रिपोर्ट है, उसमें देखने से स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग कम कर देंगे, उसके बाद एक दिन तब वो लोग का मेजॉरिटी मिलेंगे पार्लियामेंट में। आज तो राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, तब राज्यसभा में मेजॉरिटी आ जाएंगे, उस टाइम में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है 51% से 49% कर देंगे गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग, स्ट्रेट अवे द बैंक्स विल गो टू द प्राइवेट। एक तो हम लोग पूरा पब्लिक सेक्टर को साथ में लेके आए, ऑयल सेक्टर, कोल सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, पावर सेक्टर, ये सबको इंश्योरेंस, ये सबको मिला के एक संगठन बनाया है, ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा गेजेटेड ऑफिसर्स का ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। इसके अलावा अभी हम लोग बातचीत शुरू किया है किसान का साथ, महिलाओं का साथ, महिला संगठनों का साथ और स्टूडेंट्स फेडरेशन का साथ, ये लोग सबको मिला के इस चीज़ को लेके लड़ने के लिए प्लान। मार्च 2017 का डेटा
जो आरबीआई बोल रहा है अभी 7 लाख करोड़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। ये क्या कारण है? ये तो टोटल लोन का 7% है। ये किस लिए हुआ का? ये तो पहले तो ज्यादातर हम लोग लोन तो छोटा आदमी को दे रहा था, नॉन परफॉर्मिंग असर तो अभी शुरू नहीं हुआ, तब बैंकिंग शुरू हुआ उसी टाइम तक कुछ पैसा तो वापस नहीं आएंगे, वो लोग उसको हम लोग राइट ऑफ कर रहा था। एक डेटा आपको मैं बता देंगे, 1991 में रिजर्व बैंक का डेटा बोलता है कि पूरा लोन को लेके हिसाब करने से 99.3% लोन जो दिया था वो 2 लाख से कम था। अभी 2016 का डेटा रिजर्व बैंक दे रहा है उसमें 2 लाख का नीचे कितना लोन दिया है, सिर्फ 6%। और 11,643 आदमी लोग को जिसको मोर देन 100 करोड़ लोन दिया है वो अकाउंट होता है 36.7%। तो ऐसे उल्टा हो गया, इसलिए तब एक भी कॉर्पोरेट पेमेंट नहीं करेंगे, एनपीए बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो बैंक को नुकसान होता है। इसका खिलाफ हम लोग लड़ना चाहिए, और ये कोशिश जो चल रहा है आजकल इसको वापस लेने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, सिर्फ राइट ऑफ करने के लिए कोशिश कर रहा है। जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लेके आया, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेके आया, अभी जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया, ये सब बात कर रहा है सिर्फ राइट ऑफ करने के लिए, रिकवरी करने के लिए नहीं। सब अपोजिशन पार्टी के साथ हम लोग बात कर रहा है, रूलिंग पार्टी का अंदर भी कुछ लोग तो इस रास्ता ठीक नहीं है बोल के बोलना शुरू किया, वो लोग से भी बात कर रहा है। हाँ जी, तो हम लोग बीजेपी का अंदर भी जो स्वदेशी जागरण मंच है वो लोग के साथ बात कर रहा है। अपोजिशन पार्टी जो भी इस चीज को लेके लड़ने के लिए तैयार है उससे वेलकम कर। पटियाला तो न्यूज़ दर्पण 24 के लिए दलेर मेरा की रिपोर्ट।